एक शाम जब मैं कर रहा होता हूँ काम से परेशान मेरे नजर पड़ती है महीनों से बंद पड़े इस ओटीजी पे, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना कुछ बनाए और इस ओटीजी को नींद से जगाए। तो फटाफट चले जाता हूँ मैं किचन में और देखता हूँ अपने बेकरी वाला रेखा, ढूंढने पे मिलती है मुझे ये सारी चीजें। फिर ओटीजी को साफ कर उसे कर लेता हूँ प्रीहीट। अब एक बोल में दही दूध और चीनी डालकर इसे मिक्स कर लूंगा अच्छे से। चीनी अच्छे से गल जानी चाहिए। अब इसमें मैदा, बेकिंग पाउडर, कोको पाउडर और मिल्क पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर इसे बीटर की सहायता से अच्छे से बीट कर लेंगे ताकि मिक्सर अच्छे से मिक्स हो जाए। और लास्ट में थोड़ा सा चॉकलेट इसमें डालकर इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। फिर सही मोल्ड को ऑयल से ग्रीस करके उसमें बैटर को डालेंगे और ओटीजी 180 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट के लिए बेक होने के लिए डाल देंगे। 30 मिनट बाद हमारा कपकेक रेडी है। इसे डीमोल्ड करेंगे और थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखेंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट बना हुआ है। क्योंकि मेरे पास अभी क्रीम नहीं है तो मैं इसमें चॉकलेट सॉस ऐड करूंगा क्योंकि डार्क कंपाउंड को मैंने मेल्ट करके रखा था। और इसकी गार्निशिंग के लिए मैंने चोको चिप्स और बर्मा सिलिका यूज किया है। ये देखने में जितने खूबसूरत लग रहे हैं उससे भी ज्यादा खाने में स्वादिष्ट है। ट्रस्ट में ये खाने में बहुत ही डिलीशियस थे। आप भी बनाएं और खाएं। इसकी फुल वीडियो विद रेसिपी मैं बहुत ही जल्द अपने चैनल पर लाऊंगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाए।